सीएल की दीपिका डिस्पेंसरी की डॉक्टर और अन्य स्टाफ का अस्पताल में ही काम करने वाली एक नर्स से विवाद मामले में अब बड़ा मोड़ आ गया है। आपको बता दें कि नौबत यहां तक आ गई है कि जिस नर्स से विवाद हुआ उसे डॉक्टर और अन्य स्टाफ अस्पताल में अब और नहीं देखना चाहिए और जिसके कारण अब साइकिल स्टैंड के पास डॉक्टर और स्टाफ कुर्सी बेंच लगाकर बैठ गए हैं और यही मरीजों का उपचार कर रहे हैं। उनकी मांग है कि नर्स की कहीं और पोस्टिंग कर दी जाए या फिर उनका ही कहीं और दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाए। प्रताड़ित होकर नर्स के साथ में काम नहीं कराएंगे जबकि अस्पताल के अंदर सीनियर स्टाफ नर्स बैठी है जिनकी अपनी शिकायत है। जिस विवाद के बीच में अस्पताल खुला लेकिन अस्पताल के अंदर ना डॉक्टर गए ना ही उससे स्टाफ, जबकि जिस सीनियर स्टाफ नर्स दीपा राज के साथ विवाद चल रहा है वे अकेले अस्पताल में देखी गई। बहुत मुश्किल है काम कर पाना, एक तो बहुत ही गलत तरीके से बात होती है हमारे यहाँ पे। जैसे आपको एप्लीकेशन सिलेक्ट इंचार्ज उन्होंने बताया कि रेखा जाकर डिस्पेंसरी के लिए है इंचार्ज है, हमें से किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उनको जाके बोलते हैं। जब वो इनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कर सकती हैं और यहाँ तक की बात की जितने अस्पताल में आ रही तो ये तो कोई कभी किसी नहीं किया। गाली दी है चैम्बर में आकर के, जब मैं प्रेशन दिया था ड्यूटी आवर में गाली दी है और मारने के लिए रुपये दी है और खुल के मार ली। क्या कंप्लेन है प्रशासन कर दिया है, प्रशासन की इंक्वायरी है, देखते हैं बारे में क्या होता है। इंदौर में वाहन चोरी की वारदात